हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम पश्चात संगीत के बारे में पढ़ेंगे और इसके 15 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मतलब कि तो क्वेश्चन नंबर 711, स्वरों के पृथक पृथक स्वरूपों के आधार पर चित्त को आकर्षित करने वाली स्वर रचना को क्या कहते हैं? क हार्मनी, ख मेलोडी, ग मेल या घ ठाट। देखिए इसमें क्या कहा गया है, स्वरों के पृथक 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 स्वरों स्वरूपों के आधार पर पृथक पृथक जो, और वो क्या कर रही है, आधार पर चित्त को आकर्षित करने वाली, तो वो होगी मेलोडी, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 712, जब दो या दो से अधिक स्वरों को मेलोडी के साथ बजाकर रचना की जाए तो उस स्वर रचना को क्या कहेंगे? क हार्मनी, ख धुन, ग ठाट या घ सरगम। देखो इसमें क्या कहा गया है, जब दो या दो से अधिक स्वर को मेलोडी के साथ बजाकर रचना की जाती है तो उसे हम हार्मनी कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 713 पे, जब किन्हीं दो अथवा दो से अधिक स्वरों को एकदम साथ साथ बजाते हैं तथा उससे जो सम्मिलित ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? क पकड़, ख राग, ग कॉर्ड या घ संगीत। देखिए क्या कहा है, जब कि दो अथवा दो से अधिक स्वरों को एकदम साथ साथ बजाते हैं, है ना, दो या तीन स्वरों को हम एक साथ जब बजाते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। कॉर्ड को बजाते हैं जैसे सा ग प बजा रहे हैं हम, हाँ, तो क्या कॉर्ड पे गाते हैं ना, तो वही इसमें पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 714, विदेशों में मुख्य रूप से कितनी स्वर लिपियां प्रचलित हैं? क दो, ख तीन, ग चार या घ पांच। इसका जो सही आंसर है वो है ग चार। विदेशों में चार स्वर लिपियां प्रचलित हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 715, पश्चात विद्वान सारे गामा पधनी को क्रम से डो रे मी फा सोल ला सी कहते हैं, यह बताएं कि मी किस हिंदुस्तानी स्वर का समार्थक है? क सा, ख रे, ग ग घ म। अब यहां पे मी का पूछा गया है, ठीक है, मी का पूछा गया है, तो देखिए डो रे मी ये पूछा गया है, तो सा रे ग ये से ग कहेंगे, ठीक है, इसका आंसर ग होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 716, वह कौन सी विदेशी स्वरलिपि पद्धति है जिसमें भारतीय संगीत में वेद की ऋचाओं की लिपि की तरह स्वरों के नाम ना लिखकर सुलभ विराम विराम डैश तथा आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा स्वरों को प्रदर्शित किया जाता है? क सोल्फा पद्धति, ख न्यूम्स स्वरलिपि पद्धति, ग चीप स्वरलिपि पद्धति या घ स्टाप स्वरलिपि पद्धति। इसका जो सही आंसर है वो है ख न्यूम्स स्वरलिपि पद्धति, ठीक है, इसको हिंदुस्तानी ही संगीत की चिन्हों की तरह ये होता है, ये पद्धति होती है। क्वेश्चन नंबर 717, उस स्वरलिपि पद्धति का नाम बताएं जो अधिकांश त्रुटियों से रहित है एवं वर्तमान में समस्त पश्चिमी देशों में प्रचलित है, ठीक है,
ये त्रुटियों से रहित है और वर्तमान में समस्त पश्चिमी देशों में प्रचलित है। क हिंदुस्तानी पद्धति, ख कर्नाटक पद्धति, ग स्टाफ स्वरलिपि पद्धति, घ सल्फा पद्धति। कभी कभी तो मैं यही भूल जाता हूं कि मैं खुद कर रहा हूं या मैं किसी को बता रहा हूं या वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि मैं उस टाइम अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ने में लगा रहता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 717 है ये, और इसका सही आंसर है स्टाफ स्वर लिपि पद्धति। क्या पूछा है? उस स्वर लिपि पद्धति का नाम बताइए जो अधिकांश त्रुटियों से रहित है, क्योंकि उसमें त्रुटियां कम है, एवं वर्तमान में समस्त पश्चिमी देश में प्रचलित है। तो ये स्टाफ स्वर लिपि पद्धति है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 718, स्टाप नोटेशन पद्धति के अंतर्गत भारतीय संगीत के सारे गामा पद नी को क्रमशः सी डी ई एफ जी ए कहा जाता है, तो गंधार स्वर का अंग्रेजी संगीत में क्या नाम होगा? क सी, ख ए, ग ई या घ जी। इन सबका टेलीग्राम पे अभी इनका मैसेज आना होता है। अब देखिए पूछा क्या गया है, पहले पढ़ते हैं। स्टाप नोटेशन पद्धति के अंतर्गत सारे गामा पद नहीं आता है, इसमें ये अब ग पूछा गया है। हाँ, तो ये ग क्या है? सारे ग, तो इसमें देखिए सारे ग कितने पे आ रहा है? ई, ठीक है। सा को क्या कहेंगे? सी। सा को क्या कहेंगे? सी। रे को क्या कहेंगे? सॉरी, अभी इसको थोड़ा सा ढंग से बताता हूं। सा को हम क्या कहेंगे? सी। रे को क्या कहेंगे? डी। अग को क्या कहेंगे? ई, ठीक है। तो इसका ई आंसर होगा, क्वेश्चन इसका ग सही होगा, ई आंसर होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 719, पश्चात संगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर तक की सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? क टोन, ख सेमी टोन, ग हाफ टोन या घ शार्प। शार्प, देखो क्या पूछा गया है। पश्चात संगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर तक की सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे सेमी टोन, ठीक है। खा इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 720, जब किसी एक वाद्य अथवा एक व्यक्ति के द्वारा संगीत प्रदर्शित किया जा रहा हो तो उसे एकाकी गायन वोकल सोलो या एकाकी वादन सोलो प्लेइंग कहते हैं। जब दो तीन चार और अधिक मनुष्यों के द्वारा सम्मिलित गायन कराया जाए तो उसे वोकल एंसेंबल, वोकल एंसेंबल कहते हैं। यह बताएं कि यदि गायकों की संख्या बहुत अधिक हो तो उसे गायन को क्या कहेंगे? क मिश्रगान, ख सहगान, ग कोरस या घ युगलगान। इसमें सिर्फ यही पूछा गया है कि अगर गायकों की संख्या ज्यादा हो तो उसे हम क्या कहेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? ग कोरस कहेंगे उसे, ठीक है। गायकों की संख्या अगर ज्यादा होती है तो पीछे से करते हैं ना कोरस, तो इसे कोरस कहेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 721, गिरजाघरों में सामूहिक रूप से गायन करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? क सिंगर, ख प्रोड्यूसर, ग कोयर या घ एंसेंबल। एंसेंबलर, इसका जो सही आंसर है वो है ग कोयल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 722, चैंबर म्यूजिक
का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क गिरजाघर से, ख नाट्य शाला से, ग शाही घराना या घ शिक्षा ले। चैम्बर म्यूजिक का जो रिलेशन है वो है किससे? शाही घराने से। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 723, जब अनेक वाद्यों की ध्वनियों को इस प्रकार से मिलाया जाता है कि वे सुनने में कर्णप्रिय लगे तो उस वाद्य वादन को क्या कहते हैं? क ऑर्केस्ट्रा, ख एनसेम्बल, ग सोन, क्या है सोन हार्ट, घ कोरस। सोन हटा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, क्या पूछा गया? जब अनेक वाद्यों की ध्वनि को एक इस प्रकार से मिलाया जाता है कि वे सुनने में कर्णप्रिय हो तो उसे उस वाद्य को क्या कहेंगे? मतलब कि अनेक प्रकार के वाद्य को एक साथ जब मिलाकर बजाया जाता है तो ऑर्केस्ट्रा कहते हैं उसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 724, जब एक ही धुन को विभिन्न विभिन्न स्थानों से प्रारंभ करके बजाया जाता है तो उस रचना को क्या कहते हैं? क थीम, ख टर्नरी, ग कैनन, घ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन, तो उसको कहेंगे जब एक ही धुन को विभिन्न भिन्न स्थानों से प्रारंभ करके, जब एक ही धुन को विभिन्न भिन्न स्थानों से प्रारंभ करके बजाया जाता है उसे कहते हैं कैनन। आज का अंतिम प्रश्न, जब संगीत को नाटक के साथ मिला दिया जाता है तो उस संगीत रचना को क्या कहेंगे? क थीम, ख ओपेरा, ग ऑरेक्टोरियो, घ कैंटाटा। क्या पूछा गया? जब संगीत को नाटक के साथ मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? ओपेरा। ठीक है, संगीत को जब नाटक के साथ मिला दिया जाता है ओपेरा कहते हैं उसे। तो ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और बाकी जो टेलीग्राम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, और वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप सीधे वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आप पर्सनल भी मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी जैसे भी पूछना आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर जरूर करें, जिनको जिनके पास नहीं ये वीडियो अभी तक गई है तो वहां तक भेजें। बाकी बहुत सारी टॉपिक पे मैंने टीजीटी पीजीटी को लेकर मैंने चीजें करवा दी हैं, आप देख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट में जाके मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, वहां पे जाके आप सारी चीजें देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, थैंक यू एवरीवन।